हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो आगे हूँ मैं पार्ट 5 लेके जयरो पे। जैसा कि मैं पार्ट 1 से लेके 4 तक पार्ट 1 से 4 तक मैं ला चुका हूँ, और जिसने भी वो वीडियो देखी है और अच्छे से प्रैक्टिस करी है ना, तो वो बहुत अच्छे से जयरो चलाना सीख गया होगा। गाइस, मैं पूरी गारंटी ले रहा हूँ आपको जयरो सिखाने की। तो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो गाइस, उसको अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फुल प्रैक्टिस करिए, तो आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे। और जिसने भी अभी तक नहीं देखी है मेरी पार्ट 1 से 4 तक, तो जाके गाइस देखिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी मेरी आगे की। मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग बताई है पार्ट 1 से 4 तक, और आज की जो ट्रेनिंग बताऊंगा मैं लॉन्ग स्प्रे पे है, यानी आप हैकर की तरह स्प्रे मारोगे गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं यार, चलते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में। सो गाइस, आ गए अपन ट्रेनिंग ग्राउंड में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने पार्ट 4 में सेंसिटिविटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया था गाइस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिसने भी पार्ट 1 से 4 तक नहीं देखा है तो पहले जाके वो देख लो यार, क्योंकि जब भी आपको आगे अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने डिटेल में जायरोस्कोप के बारे में समझाया है और आपको सिखा रहा हूँ, तो वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है अगर आपको आगे बढ़ना है तो और अच्छे से सीखना है तो। और गाइस, ये आज की जो मैं ट्रेनिंग बता रहा हूँ पार्ट 1 से लेके मैंने 4 तक जो भी ट्रेनिंग बताई है, उसकी तो आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है, साथ में ये भी प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए आज की प्रैक्टिस पे चलते हैं अपन। गाइस, इसमें आपको आपके अपने पसंद की गन लेनी है, स्कारा ले लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। इस पर रेड डॉट लगा लेना, उसके बाद आपको आना है यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद सामने जो आपको ये दिख रहे हैं, इनके हेड पर आपको मारना है। और एक चीज़ आप नोटिस करना, इसमें मैं आप जो स्टिक पे ध्यान दीजिए, मैंने मतलब जिगल कर रहा हूँ। मैं जिगल यानी एक तरफ बहुत लंबा जिगल करना है आपको, और अपना एम सिर्फ हेड पे रखना है और एक के ऊपर फिर दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र करना है, जैसे कि सेम मैं कर रहा हूँ। ये प्रैक्टिस गाइस बहुत बहुत फ़ायदा करेगी आपको, बहुत यूज़फुल है, और इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है। देखिए, मैं एक तरफ ही जिगल कर रहा हूँ, यानी चलता जा रहा हूँ और स्प्रे दे रहा हूँ, एम भी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो ये हार्ड भी है थोड़ा, ये आपको दिखने में बहुत आसान लग रहा है, पर आप करेंगे तो आपको पता लगेगा। ओके गाइस, अब आती है अपनी नेक्स्ट ट्रेनिंग। इसमें आपको आना है स्टैंडर्ड पे आना है, कस्टमाइज पे आना है, और इसमें अपने हिसाब से मैंने इसमें अपने हिसाब से लेआउट कर रखे, तो आप भी अपने हिसाब से कर लेना। तो इसमें आपको 40 से 60 मीटर ही सेट करना है सिर्फ। और अब देखिए, हेल्थ आपको फुल रखनी है, मूवमेंट स्पीड रखनी है फुल, और जो इफेक्टिव पार्ट है उसको ऑल कर लेना। और अब देखिए, सेम ही प्रैक्टिस है, कुछ भी नहीं है, सेम प्रैक्टिस है गाइस। इसमें बस ये जो है मूवमेंट कर रहे हैं, इन पे भी आपको हेड जितना हो सके हेड ही पकड़ना है। और ध्यान रखिए, मैं इसमें भी जॉयस्टिक का यूज़ कर रहा हूँ, यानी जिगल दे रहा हूँ और उसके बाद इनको हिट कर रहा हूँ, डैमेज दे रहा हूँ। तो सेम आपको यही प्रैक्टिस करनी है, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको फुल डैमेज देने की कोशिश करना है इसको गाइस। ये सिंपल नहीं है, आप करके देखना, ये बहुत हार्ड है यार। ये दिखने में आपको सिंपल लगेगी, पर आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आप सोचोगे यार कि क्या प्रैक्टिस है यार, मज़ा आ जाएगा आपको करके। तो बस आपको जैसे देख रहे हो आप, मैंने कैसे इसको स्प्रे दे रहा हूँ और जिगल भी कर रहा हूँ, तो आपको सेम ऐसे ही करना है। ओके गाइस, ये जो मैंने आपको ट्रेनिंग बताई है, ये आपको बहुत अच्छे से करनी है, एक दिन तक करनी है। तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं बताऊँ, ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं बताऊँगा, इसको आप एक दिन तक करिए यार। और एक और मैं ट्रेनिंग आपको बताता हूँ, आपको मस्त गन लेनी है आपके पसंद की, और 6x लेना है। और जैसे कि आप देख रहे हो मैं स्प्रे दे रहा हूँ, ऐसे आपको दूर का स्प्रे देना है, सिंपल, जैसा जाए वैसा, जैसे आपकी मर्जी जाए वैसे आपको स्प्रे देना है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से जैसे मैं दे रहा हूँ वैसे आपको एकदम स्प्रे देना है, जैसा भी जाए आपको, अगर ऊपर नीचे लगे तो आपको अपनी सेंसिटिविटी, जैसे कि मैंने पार्ट 4 में बताया है, वो वीडियो देखना ज़रूर, तो आपको समझ में आ जाएगा। उसको सेट करना है और स्प्रे देना है अच्छे से, और इसकी मैं आपको एक ट्रेनिंग भी बताऊँगा। सो गाइस, इस ट्रेनिंग के लिए आपको आना है इस पर स्टैंडर्ड ट्रेनिंग पे, कस्टमाइज पे। इसमें आपको 120, 150 और 180 सेट करना है, और सेम रखना है, ऑल आर्मर 3 लेवल रखना है, सब कुछ आपने देखा होगा वैसे ही रखना है जैसे मैंने करा है। और आपको इन पे हिट करना है, आपको ये स्प्रे देना है जैसे कि मैं दे रहा हूँ, देखिए
इसमें आपको कोई जिगल का यूज़ नहीं करना है, आपको एकदम बैठ के क्राउच करके ही आपको स्प्रे देना है। आपका स्प्रे बहुत अच्छा जाएगा, जितना आप क्राउच करके स्प्रे देंगे आपको बहुत अच्छा स्प्रे जाएगा। तो इस तरीके से आपको जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको स्प्रे करना है, और ये आपको प्रैक्टिस करके गाइस मज़ा आ जाएगा और आपका स्प्रे बहुत अच्छा हो जाएगा, आप कंटिन्यू करते रहना बस। तो ये जो आज की मैंने आपको ट्रेनिंग बताई है इसको आप बहुत अच्छे से करना गाइस, और पिछली जो ट्रेनिंग बताई है उसको भी आपको कंटिन्यू रखना है, तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आप बहुत अच्छे से जैरो सीख पाओगे। और गाइस मैंने पार्ट 1, 2 और 3 में बहुत कुछ बताया है, तो जाके देख लेना यार, और अगर मैं इतना कुछ बताने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो गाइस मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो बस आपसे एक छोटा सा ही काम है जो कि आपको पता है वो क्या करना है यार। तो हर यूट्यूबर की एक ही ख्वाहिश होती है कि बस उसको सब्सक्राइब मिल जाए, लाइक मिल जाए, तो बस आप भी कर दीजिए यार मेरे लिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छी लाने वाला हूँ आपके लिए, और मैं आपको बहुत आपको ज़ीरो सिखाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो गाइस अगर कोई भी दिक्कत आए आपको या कुछ भी आपको पूछना हो तो गाइस कमेंट कर देना, मैं आपके सारे सवाल का जवाब दूंगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय।